Hello, students. Good morning, everyone. Today we are going to begin with lesson number 10, The Beggar. This lesson is written by Anton Chekhov. Anton Chekhov is a very famous story writer, and this story belongs to a beggar. The name of the story is The Beggar. Let us read the summary of the story. A beggar stood before the advocate Sergei. Sergei was an advocate and a beggar stood before him. He asked for something to eat. He had been a school teacher for eight years. A beggar tells Sergei that he wanted something to eat and he also tells that he had been a school teacher for eight years but he lost his job true intrigues intrigues means the plannings of others plotting of others somebody plotted against him and he lost his job sergei sergei's eyes fell on the man's overshoes overshoes means uh, shoes that were not of proper fitting one of the shoes was high and the other low so different type of shoes एडवोकेट रिमेंबर द बेगर मेट हिम द डे बिफोर यस्टरडे इन सडोविया स्ट्रीट एंड उसके शूज को ही देख के एडवोकेट को सरगेई को याद आता है बेगर डे बिफोर यस्टर ऑल्सो इन सडोविया स्ट्रीट देन हीड टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ स्टूडेंट हुआ उस टाइम इस बेगर ने उसको कहा था दट ही वॉज अ स्टूडेंट एंड ही हैड बीन एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल वो एक स्टूडेंट था और उसको स्कूल से एक्सपेल निकाल दिया गया था सरगेई वॉन्ट हिम दैट ही वॉन्ट ही वुड सेंड फॉर द पुलिस और जब सरगेई ने देखा कि पहले ही अपने आपको स्टूडेंट बता रहा था दो दिन पहले और आज ही अपने आपको स्कूल टीचर बता रहे हैं कि ये एट ईयर से स्कूल टीचर है तो वो उसको वार्निंग देता है कि वो पुलिस को बुला लेगा द बैगर सेट दैट ही वॉज लाइंग और बैगर इस पे डर जाता है और बता देता है दैट ही वॉज लाइंग झूठ बोल रहा है ही सेंग इन रशियन कॉयर एंड वॉज एक्सपेल्ड फॉर हिस्स ड्रंकनस और अब वो रियलिटी बताता है कि वो रशियन कॉयर में रशियन म्यूजिकल ग्रुप था उसके ग्रुप में वो एक सिंगर था और उसको वहां से एक्सपेल कर दिया गया था निकाल दिया गया था बिकॉज ही वॉज इन दैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टू मच ड्रंकननेस दैबिट ऑफ कंज्यूमिंग लिक्वर टू मच इफ ही टोल्ड द ट्रूथ नो बडी वुड गिव हिम एनी थिंग और उसने कहा कि अगर वो लोगों को बता देगा सच्चाई बता देगा कि वो एक शराबी था और इस वजह से उसको निकाला गया तो कोई उसको कुछ नहीं देगा वट कुड ही डू इसलिए वो झूठ बोलता है और कुछ खाने के लिए अपना पेट भरने के लिए लोगों से भीख मांगता है सरगेई आस्क द बेगर टू चॉप वुड फॉर हिम और सरगेई बेगर को कहता है कि कि वो उसके लिए वुड कट कर सकता है चॉप मीन्स बड़े बड़े लकड़ी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना द बेगर एग्रीड टू डू द वर्क दो अनविलिंगली विलिंग नहीं था इच्छुक नहीं था फिर भी मान जाता है कि ठीक है मैं आपके लिए काम करूंगा द बेगर वॉज टेकन बाय कुक ओल्गा टू द शेड टू चॉप वुड और सरगेई की जो कुक थी खाना बनाने वाली ओल्गा उस लेडी को को कहा गया कि वो उसको वुड चॉप करने के लिए शेड में लेकर चली जाए वो बैगर को ले गई ओल्गा गेव हिम एन एक्स और उसको एक, एक एक्स कुल्हाड़ी दे दी द बैगर पुट अ स्टिक ऑफ वुड बिटवीन हिज फीट अपने पैरों के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ा देन ही स्टक द एक्स फ्रीली और एक्स जो कुल्हाड़ी थी उससे फ्रीली मीन एकदम से जोर से मारने की ट्राई की उसपे द वुड फेल डाउन और वुड उसके कुल्हाड़ी वुड पर सही जगह नहीं लगी और वुड नीचे गिर गई मीन वायल सरगेई सा हिम एंड फेल्ट सॉरी दैट ही सेट अ ड्रंकन एट वर्क इन द कोल्ड और सरगेई विंडो से देख रहा था अपने रूम की विंडो से और वो सोचता है कि एक शराबी को उसने इतनी ठंड में काम पे लगा दिया बेचारा उसके लिए सरगेई को बहुत ही सैड फील हो रहा था सॉरी फील हो रहा था दुखी हो रहा था वो द बेगर वुड कम ऑन द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ और uh, सरगेई ने बेगर को ऑफर दिया कि वो अगर चाहे तो हर महीने एक तारीख को आ जाएगा और उसके लिए वो कुछ ना कुछ वर्क रखेंगे ढूंढ के तो इस तरह से बेगर एवरी मंथ फर्स्ट डेट को उनके पास आने लगा ही वुड डू सम और द अदर वर्क थोड़ा बहुत काम करता वेन सरगेई मूवड इन टू अनादर हाउस ही कॉल्ड द बैगर टू हेल्प इन पैकिंग एट्सट्रा और वो हर महीने एक तारीख को आता था कुछ काम करता था और पैसे ले जाता था सरगई ने जब अपना हाउस चेंज किया तो उसने सारे सामान की जो पैकिंग करके हाउलिंग करनी थी फर्नीचर वगैरह सारे सामान को लोड करके ट्रक्स में ले जाना था तो उसने बैगर को हेल्प के लिए बुला लिया कि वो भी कुछ काम करा देगा और उसको बदले में पैसे मिल जाएंगे सरगेई कॉल द बैगर लश्फ एंड सेंड हिम टू हिस्स फ्रेंड फॉर सम कॉपिंग वर्क लशकॉफ था उस बैगर का नेम सरगेई ने उसको बुलाया और उसको कहा कि उसका एक फ्रेंड सरगेई का ऑथर का जो एडवोकेट है सरगेई उसका एक फ्रेंड है जो उसको कॉपिइंग वर्क मीन्स किसी पेपर के डुप्लीकेट बनाने का काम दे सकता है जैसे फोटो स्टेट होती है तो पुराने टाइम में फोटो स्टेट नहीं होती थी एक पेपर पे जो लिखा है तो कोई पर्सन अपनी राइटिंग में उसकी दूसरी कॉपी बना देता था तो वो काम उसको मिल जाएगा वहां पे अपने फ्रेंड के पास भेजने के लिए कह भेजता है दे मेट आफ्टर टू ईयर्स एट द थिएटर काउंटर और दो साल बाद सरगेई और लशकौफ थिएटर काउंटर एक जो नाटक कंपनी होती है नाटक जहाँ ड्रामा प्ले किए जाते हैं वहाँ के काउंटर पर मिले सरगेई रेकग्नाइज लशकौफ हु टोल्ड हिम दैट ही वॉज वर्किंग एज अ नोटरी एंड गॉड थर्टी फाइव रूबल्स पर मंथ और सरगेई लश्कौफ को पहचान लेता है लश्कौफ़ उसको बताता है कि अब वो एक नोटरी नोटरी मीन्स एक एडवोकेट के हेल्पर के यहाँ का हेल्पर की तरह से काम कर रहा है एंड ही इज गेटिंग थर्टी फाइव रूबल्स पर मंथ रूबल्स इज़ द रशियन करेंसी रशिया की करेंसी होती है रूबल्स एंड ही टेल्स कि थर्टी फाइव रूबल्स पर मंथ अब वो कमा रहा है जो कि एक गुड इनकम थी सरगेई वॉज ग्लैड सरगेई वॉज हैप्पी दैट ही चेंज्ड अ बैगर इन टू अ नोटरी सरगेई ने सोचा कि उसी ने फ्रेंड के पास भेजा था और उसकी वजह से ही लश्कॉफ ने अपनी बेगिंग की बैड हैबिट छोड़ दी है और उसने एक बेगर को एक नोटरी बना दिया लशकोव थैंकड हिम फॉर हिज गाइडेंस लशकोव कहता है कि आपने मुझे गाइडेंस दी थी उसके लिए थैंक यू बट ही टोल्ड हिम फ्रेंकली फ्रेंकली मींस ओपनली उसको बताया दैट इट वाज ओल्गा एंड नॉट सरगेई हु चेंज्ड हिज लाइफ कि उसकी लाइफ ओल्गा की वजह से चेंज हुई है ना कि सरगेई की वजह से लशकोव टोल्ड सरगेई दैट ओल्गा वुड रिब्यूक हिम वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है डी नहीं है देट ओलगा वुड रिब्यूक हिम और लशकौफ बताता है कि ओलगा उसको डांटा करती थी डांट पिलाया करती थी बहुत डांटती थी सिट ऑपोजिट हिम एंड व्हीप और उसके सामने बैठ के रोया करती थी शी वुड ग्रो सैड उसको देख के वो सैड हो जाती थी देन शी वुड चॉप वुड फॉर हिम उसके लिए लकड़ियाँ काटती थी लकड़ी काटने का काम जो लशकौफ को दिया जाता था जब लशकौफ अपने uh, शराबी होने की हालत में वो नहीं कर पाता था तो ओलगा उसके लिए लकड़ी काटती थी ही अमेज्ड सरगेई वेन ही टोल्ड हिम दैट ही डिट चॉप अ सिंगल स्टिक ऑफ वुड फॉर हिम और जब सरगेई को उसने बताया कि उसने आज तक एक भी लकड़ी उसके लिए कभी नहीं काटी थी जब वो उसके घर जाता था तो सरगेई अमेज्ड वेरी सरप्राइज था देन द बेल रैंग एंड ही डिपार्टेड टू द गैलरी और तभी बेल रिंग हो जाती है थिएटर की थिएटर में वो टिकट ले रहे थे जहाँ पे तो वहाँ से वो डिपार्ट हो जाते हैं एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं और गैलरी में गैलरी की तरफ बढ़ जाते हैं जहाँ बैठ ड्रामा देखने के लिए टिकट्स ली हुई थी सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द बेगर यू विल रियली एन्जॉय दिस स्टोरी सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम योर मोमेंट्स बुक दिस इज़ द लास्ट लेसन इन योर मोमेंट्स बुक थैंक यू